नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज बनाएंगे परवल की मिठाई। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। परवल को हम छील लेंगे। हम सभी परवल को छील लिए हैं। इसके लिए हम पानी गर्म कर लेंगे और पानी इतना लेंगे कि परवल हमारा डूब जाए। हम पानी में थोड़ा सा डाल देंगे मीठा सोडा, इससे परवल का कलर बहुत अच्छा आएगा, ग्रीन रहेगा। हमारा पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे परवल। हमारा पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ढक के कम से कम 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुका है, हम परवल को निकाल लेंगे। ये सभी परवल को हम निकाल लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा हो जाने देंगे। हमारे परवल ठंडे हो चुके हैं, अब इसमें हम कट लगा देंगे। एक साइड से हम कट लगाएंगे और इसका पूरा दाना हम निकाल देंगे, पूरी तरह हम खाली कर लेंगे। इसी तरह हम पूरे परवल के कचड़ा निकाल देंगे, खाली कर लिए हैं। इसकी पूरी बीज हम निकाल दिए हैं, ये किनारे से हम कट लगा देंगे दोनों साइड से। हम इसी डंके में 1.5 कप पानी डाल देंगे और 1 कप इसमें हम चीनी डाल देंगे। इसको मेल्ट हो जाने देंगे। हमारा शक्कर मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे परवल। हमको इतना पकाना है कि हमारी चाशनी जो है गाढ़ी हो जाए। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और मीडियम स्लो में इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। इसको हम निकाल लेंगे। हम परवल को ठंडा हो जाने देंगे। स्टफिंग के लिए हम खोवा लिए हैं और इसको हम भूंज लेंगे। हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हम मीडियम स्लो में खोवा को भूंज लेंगे। हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे शक्कर और इसमें हम पीसी चीनी यूज कर रहे हैं। हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे और इलायची को हम पीसे नहीं हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और खोवा को हम ठंडा हो जाने देंगे। हम इसमें 3-4 बादाम लिए हैं, इसको डाल देंगे। हम 3 से 4 काजू लिए हैं, इसको भी हम डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे। पेस्ट को ठंडा हो जाने देंगे। हमारा खोवा ठंडा हो गया है और परवल भी ठंडा हो गया।
इस तरह हम अच्छी तरह से भर देंगे। ये देखिए हमारी परवल की मिठाई तैयार हो गई है। इसी तरह और भर लेंगे। जितना हमारे परवल में आएगा उतना हम भर देंगे। इसी तरह हम सभी परवल को तैयार कर लेंगे। हमारी परवल की मिठाई तैयार हो गई है। ऊपर से हम थोड़ा सा लगा देंगे पिस्ता।